वो पढ़ना चाहती थी। खेल से उसका दूर तक भी नाता नहीं था, लेकिन पिता और भाई का ख्वाब पूरा करने के लिए वह 17 साल की उम्र में रिंग में उतर गई, जिसके चलते अब उसने बुल्गारिया के सोफिया में हाल ही में हुए स्ट्रैंजा कप मुक्केबाजी में 60 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की नीरज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नीरज कभी मुक्केबाज नहीं बनना चाहती थी, मगर भाई के लिगामेंट में चोट लगने के कारण वो मुक्केबाज नहीं बन पाया, जिसके बाद नीरज ने ग्लव्स पहने और मुक्केबाजी को अपना सपना बना डाला। नीरज का अगला लक्ष्य बैंकॉक में 19 से 27 अप्रैल तक होने वाली एशियन चैम्पियनशिप है, जिसमें वो पदक हासिल करना चाहती है। ऐसे में नीरज की मुक्केबाजी में धकम से कदम मिलकर बढ़ने वाले उनके भाई अमित ने NNIS को बताया कि कैसे उनकी बहन एक दमदार मुक्केबाज बनी। कल जो बुल्गारिया में फाइट हुई ब्रॉन्ज सेमीफाइनल, उसमें नीरज का ब्रॉन्ज मेडल आया और बड़ी खुशी हुई। बात भी हुई थी, बोली कि भैया थोड़ी सी चूक हुई और अगली बार और अच्छा करेंगे, आगे एशियन चैंपियनशिप है और बड़े टूर्नामेंट है उनमें और अच्छा करेंगे। और जितनी मेहनत की है ना लड़की ने, उससे पक्का है कि मेडल तो आना ही है अब नहीं कुछ दिन बाद। हाँ ये है कि आगे बढ़ते रहेंगे तो करते रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, और सरकार का यही है कि कुछ हेल्प करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुविधाएं नहीं, अब बाहर दूर रहना पड़ता है, खर्चा होता है रोज रोज, और इसीलिए सरकार थोड़ा सा भी हेल्प करेगी तो और अच्छे खिलाड़ी निकल के आएंगे। परिवार ने कर्ज के माध्यम से उसके खेल पर खर्च किया और नीरज के मुक्केबाजी करियर को आगे बढ़ाया। अब उसका परिवार सरकार से मदद चाहता है। कोई सरकार की ओर से हमने कोई सुविधा नहीं मिली है आज तक, अपने घर से कर गए हैं। क्या आपने लोन भी लिया है? हाँ लोन भी ले रखा है। हाँ जी, कहाँ से लिया आपने? नए गांव बैंक से 6 लाख रुपए लोन लेके लड़की पला दिए। अच्छा, 6 लाख रुपए लोन लेके लड़की पला दिए। इसी बीच नीरज ने अपने ब्रॉन्ज मेडल को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को समर्पित किया। और गुड़िया ने सबसे बड़ा काम यही किया है कि जो जीत है वो शहीदों के लिए है।